दोस्तों आज हमारे पास ओप्पो का F1S मोबाइल आया हुआ है, जो फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है। इसमें कस्टमर का कहना है कि हमने एक शॉप पे दिया था ये फ़ोन, वहाँ पे नहीं बन पाया है, ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है। हमने इसे ओपन करके देखा फ़ोन को, ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ ही हो रहा है। पहले तो हमें मदरबोर्ड को बाहर निकालना होगा और हमें चेक करना होगा कि हमारे इस फ़ोन में ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम है कि हमारे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। अभी हमें मीटर को में ऑन ऑफ स्विच को चेक करना होगा कि हमारा ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट है कि सही है। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच पूरा ओके है, ओके कंडीशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम आपको दिखाते हैं इसे प्रेस करके, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें मदरबोर्ड को चेक करना होगा। हमारे फ़ोन में मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल सही, हमारा ये जो वाइट कैपेसिटर है ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसलिए हमारा फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा था। अभी हम इसे रिमूव करके आपको दिखाएंगे कि हमारा ये कैपेसिटर बिल्कुल शॉर्ट है, इसमें कोई ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसे हमें रिमूव करना होगा। ये हमारे ऑन ऑफ स्विच के पास ही लगा हुआ है। आपको दिखा देते हैं कि यही जो कैपेसिटर है वाइट कलर का है, ये जो हमारे ऑन ऑफ स्विच की लाइन में लगा हुआ है, ये हमारा शॉर्टिंग है। अभी हम इसे रिमूव करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये शॉर्टिंग है कि नहीं। हल्का इसे पेस्ट लगाना होगा और शोल्डर के माध्यम से ही निकालना होगा हमें।
ये हमारा वाइट कैपेसिटर निकाले हैं, ये भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है कि नहीं। ये बिल्कुल हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है, पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है, इसलिए हमारा फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा था। अभी हम मदरबोर्ड को बोर्ड में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा ये ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ कि नहीं। ये हमारा मदरबोर्ड फिटिंग हो गया है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो फ़ोन का प्रॉब्लम था ये कैपेसिटर को जैसे था ये फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। ये देखो ये ऑन ऑफ स्विच से ऑन हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ओप्पो का फ़ोन आए ऑन ऑफ होए तो पहले आप ऑन ऑफ स्विच चेक करें और हमारे मदरबोर्ड की जो लाइन है उसे चेक करें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में।